क्या लिखा है भाई? देखो, सिंपल सा सवाल है। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ प्रोपोर्शनल टू। भाई, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग वेव, है ना भाई? और स्टैंडिंग वेव जब किसी स्ट्रिंग में बनती है तो दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, है ना, यानी कि दोनों एंड पे जो रस्सी है वो कैसी है, फिक्स है। जबकि दूसरा केस होता है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट अदर एंड। तो ये कैसा केस होता है? सिर्फ एक एंड में रस्सी फिक्स होती है, दूसरे एंड में फ्री होती है, ठीक है? और दोनों केस में फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर 1/2L आता है, जबकि यहाँ पर क्या आता है, 1/4L√T/μ। तो दोनों ही फॉर्मूला साफ साफ बोल रहा है कि जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। साफ साफ दिख रहा है ना? यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन टेंशन भी है, पर टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, टेंशन के रूट के प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से इसका आंसर ये नहीं है, है ना? तो कई बार लोग सी भी आंसर दे देते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, है ना? प्रोपोर्शनल अगर ऐसा लिखा होता कि इस प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, तब ये बिल्कुल सही हो जाता, है ना? तो फिलहाल तो ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सिंपली ए, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दैट्स इट।